हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। इसे बनाने के लिए क्या लग रहा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। गरम मसाला, ये है टमाटर पेस्ट, ये है प्याज पेस्ट, ये है मिर्ची, मैंने चार मिर्ची ऐसे करके काट लिया है। पनीर हाफ फ्राइड ऐसे। पालक को मैंने उबाल के फिर इसको पेस्ट बनाया है। नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये है जीरा, ये है अदरक के पेस्ट, ये है लहसुन के पेस्ट। अभी मैं जो करने जा रही हूँ वो है, मैंने तेल गरम करके रखा है, ये वही तेल है जिसमें मैंने पनीर को थोड़ा सा सॉर्ट करके लिया, फ्राई करके लिया है। लेकिन मैंने इसको पहले फ्राई करके अभी रख दिया। अभी इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा। फिर इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ मिर्ची, थोड़ा सा प्याज, टमाटर बारीक कटा हुआ भी हो सकता है। पेस्ट करने के बाद आप इसको पानी से थोड़ा सा भिगो के भी ले सकते हैं, पर वो बाद में पहले मसाले को हम थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। ये फ्राई होने तक मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा पानी में भिगो के रखूँगी 10 मिनट के। इससे क्या होता है, इससे पनीर गर्म हो जाता है। थोड़ा सा पानी, ये पानी बाद में आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पानी को ऐसे भिगो कर रखें, क्योंकि ये तेल का पानी है, इसमें से तेल निकले हैं पनीर में से, तो ये आप बाद में ऐसे साइड में रख देंगे। मैं ये अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। याद रखना मैंने पालक भी नमक से उबाल के रखा है और पनीर में भी थोड़ा सा नमक डाल के मैंने फ्राई किया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/5 हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, आप जैसे इसमें आप रखते हो चाहे वो ज़्यादा हो आपके हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून यूज किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, पालक की जो पेस्ट है वो हम डाल दें। आप देख सकते हो मेरा ये पूरा करी एकदम बॉयल हो चुका है, पक चुका है ये।
इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके पनीर डाल दूँगी। पनीर सॉफ्ट ही हो गए और ऊपर से इसमें डालने में थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको आप हल्दी से भी कर सकते हो, पनीर जो है उसको आप हल्दी से थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा के भी कर सकते हो। और ये जो पानी है मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ देखना मैंने नमक नहीं डाला है इसमें, नमक आफ्टर ये तो एकदम अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद ही मैं डालूँगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, इसको पकने के लिए रख दूँगी 5 मिनट तक। ये जैसे बॉईल हो रहा है मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और 1/2 टीस्पून की तरह नमक डाल दूँगी मैं इसमें। और मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी। आज मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, इसको अच्छी तरह से पकाना है इसलिए कि ग्रेवी थोड़ा सा थिक होने वाला है। अभी मैं जो इसमें डालने जा रही हूँ वो कोई डालते नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट मिल्क क्रीम यूज़ करते हैं, पर अगर किसी के घर में क्रीम नहीं है तो आप ये यूज़ कर लें। वो है दूध के ऊपर का जो फैट है, आप उबालने बाद ही इसे इसको देखने को आएंगे, वो मैं डाल रही हूँ उसमें। ये आप ओवन बंद करके भी कर सकते हैं या फिर ओवन चालू रखने पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये इस्तेमाल किया है इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा चीनी यूज़ करते। पर क्रीम यूज़ करने से, अगर आप क्रीम यूज़ करते हैं तो क्रीम यूज़ करने पर चीनी आपको नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इससे पालक पनीर का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चीनी यूज़ करूँगी। मैंने 1 टीस्पून चीनी डाला है इसमें। अब मेरा पालक पनीर रेडी हो गया है। अभी मैं इसको गैस ऑफ करके निकाल लूँगी। मेरा पालक पनीर रेडी है। इसको सर्व करने के बाद आप इसके ऊपर से और थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्रीम इसमें डाल दिए हैं इसमें, पर डेकोरेशंस के लिए इट्स ओके, यू कैन यूज़ इट। अगर आपको ये पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माय वीडियो। सब्सक्राइब करने के लिए भूल मत जाना, डू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ घर में इसको ट्राई करिए। I hope you like it. Till then, wait for my next video. Thank you.